क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में हमने एसिड डाला। वैसे तो वाटर में एसिड नहीं डाला जाता है, ठीक है, सॉरी सही है, वाटर में ही एसिड डाला जाता है। हाँ ठीक है। सुनो, हमने एसिड की कुछ ड्रॉप्स वाटर में डाली, तो कौन सा फेनोमेना होगा? सुनो भाई, ध्यान से समझो, एक बार बताओ, जब आप एसिड को वाटर में मिलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है? डाइल्यूशन ही तो करते हो आप एसिड का। एसिड का क्या करते हो? डाइल्यूशन करते हो। एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते हैं। टॉपिक भी हमने क्लास 10th में आपको कराया भी हुआ है, चैप्टर में टॉपिक का नाम ही है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं? एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में हम मिलाते जाते हैं, ओके? तो एसिड डाइल्यूट हो जाता है। यानी कि जब आप एसिड को वाटर में मिलाते हो, एक तो डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हो आप, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो। दूसरा सुनो, दूसरा बच्चों, आयनाइजेशन भी होता है। कैसे? मान लो आप HCl को, मान लो आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको आप कहाँ डाल रहे हो? वाटर में डाल रहे हो, ठीक है बच्चों। तो जब आप वाटर में डाल रहे हो, तो ये जो HCl, एक्वस लिख देता हूँ क्योंकि वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये HCl है, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। कौन कौन सा आयन में? H प्लस में और साथ में Cl माइनस में, ठीक है। तो क्या एसिड को पानी में मिलाने पर आयनाइजेशन भी होता है? हाँ, एसिड का आयनाइजेशन होता है। जैसे कि HCl ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, इसी तरीके से मान लीजिए आपने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? H प्लस, हाइड्रोजन आयन में, और साथ में क्या बनेगा? सल्फेट आयन। एक्वस लिख दे रहा हूँ, मतलब इस एसिड को आपने पानी में मिलाया है तो आपको दो तरीके के आयन मिलेंगे, H प्लस आयन और सल्फेट आयन, ओके बच्चों। तो क्या आयनाइजेशन भी होता है? हाँ, आयनाइजेशन भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो एक तो आयनाइजेशन पे टिक लग गया, ठीक है, आयनाइजेशन होता है और डाइल्यूशन होता है। उसके बाद आइए देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है? नहीं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने एसिड को पानी में मिलाया है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है बताइए? न्यूट्रलाइजेशन तब होता है जब एसिड को हम किस में मिलाते हैं? बेस में मिलाते हैं, ठीक है। तो क्या वाटर एक बेस है? हालांकि वाटर में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बट बहुत कम होती है, ठीक है। तो एसिड को आपने किसी बेस में नहीं डाला है, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पर, ओके। क्या सॉल्ट फॉर्मेशन होता है? जी नहीं, कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन कब होता है? जब एसिड को बेस में मिलाया जाता है, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो सॉल्ट फॉर्मेशन भी यहां पर नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। 1 एंड 3 आर करेक्ट, ओके, कर लीजिए।